नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीखा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। समृद्ध, स्वच्छ एवं सशक्त दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली बीजेपी सहयोग सेल के डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने नजफगढ़ विधानसभा में परिवर्तन रैली का आयोजन किया। इस परिवर्तन रैली में दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई, टूटी हुई सड़क, प्रदूषित हवा, कर्मचारियों को स्थायी न करना, न कोई नया स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना आदि समस्याओं को उठाया गया और आने वाले समय में उनके समाधान पर बात भी की गई। स्वागत, और हम सब इनके साथ लगे मेंबर पर जो उन्होंने सड़कें बनाई। रैली को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत, सांसद योगेंद्र चंदेलिया, भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली, इन सभी के अलावा कई नेताओं ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया और इस बार दिल्ली में परिवर्तन का आह्वान किया। आज जो है हजारों के समूह में जो है नजफगढ़ की जनता ने प्रेम उधेड़ा। आज जो है हमारे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, जो माओ ने जो है दुआएं दी और साथियों ने जो है बड़ी हिम्मत बढ़ाई। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि नजफगढ़ रेडी है और केजरीवाल जैसी जो हमारे दीमक की एक बीमारी हमारे दिल्ली में लग चुकी है उसको हटाने के लिए आज हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। परिवर्तन रैली का आयोजन स्थल श्री जय किशन शर्मा खेल परिसर BVS पब्लिक स्कूल था। चलिए आपको दिखाते हैं रैली की कुछ खास झलकियाँ। इस रैली में भजन गायक अजय भाई ने राम भजन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी का स्वागत, और हम सब इनके साथ लगे मेंबर पर जो उन्होंने सड़कें बनाया है वह भी बताई दिल्ली में नाकाम रही है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।